हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजीव पांडे और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का ऑलमोस्ट जो एंड का एक टॉपिक है, दैट इज द डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है हर पॉइंट पे सेम होती है, स्पीड नॉट वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हर पॉइंट पे क्या होती है, डिफर करती है। तो हमने जो इससे पहले जो डायनामिक्स पढ़ा था, यानी बैंकिंग ऑफ रोड है ना, टर्निंग ऑफ व्हीकल अलोंग अ कर्व रोड, तो वो सब केसेस में क्या था, गाड़ी की स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, हमने वी जो है वो कॉन्स्टेंट रखा था। सो दैट वॉज डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर जो हम केस अज्यूम कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक धागा लिया है हमने सपोज, और उसको उसमें धागा पत्थर बांध के उसमें हम उसको इस तरह से यानी वर्टिकल प्लेन में हम उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, उसमें वेलोसिटी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, है ना, जो नॉट वेलोसिटी, जो स्पीड है वो वहां पर कॉन्स्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पे डिफर करेगी। क्या कैसे देखते हैं। उससे पहले डायनामिक्स क्यों नाम दिया है इस पार्ट को, डायनामिक्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहां पर हम सिर्फ मोशन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम मोशन का डिस्कशन अलॉन्ग विद द कॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा मैकेनिक्स के तीन ब्रांचेस, स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, उसके बारे में फिजिक्स, डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स विथ, है ना, वहां पर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अलॉन्ग विद द कॉज ऑफ मोशन, डायनामिक्स। और एक और होता है काइनेमैटिक्स, वहां पर सिर्फ हम मोशन की ही स्टडी करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नॉल, उधर फोर्स का डिस्कशन नहीं होता। यहां पर देखो आप देख सकते हो अलग अलग फोर्सेस, वेट, टेंशन, ये सारा डिस्कशन हो रहा है अलॉन्ग विद द मोशन। सो यहां पर हमने इसको डायनामिक्स में रखा है। ये सब चीजें बेसिक जो है समझा करो, क्यों ये टॉपिक कहां से आया ये समझना जरूरी है। सो विल बी स्टार्टिंग विथ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। उससे पहले एक छोटी सी बात और दी है, वो भी देख लो, कि जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना, जहां पर स्पीड जो है डिफर करती है, तो इसमें ऐसा होता क्या है, क्यों होता है। तो एग्जैक्टली जैसे आपको पता होगा कि एक लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है, फोर्स अगर आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगा, उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, राइट। वैसे ही जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें टॉर्क वही रोल प्ले करता है जैसे लीनियर मोशन में फोर्स कर रहा था। सो टॉर्क जो है अगर कहीं सर्कुलर मोशन में आ गया तो टॉर्क की वजह से आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो मतलब क्या होगा सर, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। सिर्फ यही क्यों, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, जो इन सब पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें, इवन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये समझो कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, अगर वहां पर टॉर्क आ गया तो वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वहां पर फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कल के मोशन की। तो सपोज मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक हमने स्ट्रिंग लिया, एक धागा लिया, उसमें हमने एक स्टोन बांध दिया, एक पत्थर छोटा सा बांध दिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, यानी इस तरह से वो पत्थर जो है वो क्या कर रहा है, वो वहां पर सर्कुलेट कर रहा है या उसको सर्कुलेट कराया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती है वो हम देखते हैं। सो जस्ट चेक दिस डायग्राम, कुछ और देखने से पहले ये डायग्राम को ध्यान से देखो। तो यहां पर ये हमारा सेंटर है, मान लो जहां हमारा हाथ है वो हमारा सेंटर हुआ, ठीक है, ओके। और ये हुआ लोएस्ट पॉइंट को L से रिप्रेजेंट कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट को H से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और सपोज अभी फिलहाल हम स्टोन की बात करते हैं, वो इस पॉइंट पे है, लेट दैट पॉइंट बी P, जो कि इस वर्टिकल लाइन से थीटा जितना एंगल पे ये जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा है थीटा, ओके। एंड अगर ऑब्वियसली वो स्टोन जो है बाहर की तरफ है, मतलब इट इज हैविंग टेंडेंसी टू मूव आउट, सो यहाँ पर जो टेंशन है उसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन, और आपको पता होगा अगर मास m है ऑब्जेक्ट का तो जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो mg जो है ये हो गया। अब हम क्या करते हैं mg को, बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा हो जाएगा, है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा हो गया तो थीटा के साइड में ये कंपोनेंट mg का, ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और जो दूसरा वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हो गया mg sin थीटा, ठीक है। तो यानी चलो भाई ये समझ लो ये 90 डिग्री, ओके, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो यहां पर हमने mg को रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट्स में, अब आसान हो गया चीजें समझना, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट दिस पॉइंट बी v, हमने अभी कहा है भाई ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो चेंज होनी है हर पॉइंट पे।
हाईएस्ट पॉइंट का मैंने वी एच लिया है, यहां का वी एल लेंगे हम आगे लेंगे, फिलहाल यहां का वी एच लेना ठीक है। सो फिलहाल इस पॉइंट पे देखते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी टू मूव टेंजेंशियली, ओके, एंड ये एम जी कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। अब हो क्या रहा है ना, अब बस आप ध्यान दो, बाकी सब पे नहीं, सिर्फ इस वाले लाइन पे ध्यान दो। यहां पर आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, और जो कहां पर एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल होता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेनली इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन वाला फोर्स, ओके, बट नॉट ऑल, क्योंकि यहां पर ये अकेला नहीं है इस लाइन में। आप देख सकते हो कि टेंशन को अपोज करने वाला एक फोर्स है एम जी कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर ये नहीं होता तो आप लिखते T इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, बट क्योंकि ये है जो इसको माइनस करेगा, तो यानी टेंशन में से इतना घटा दो तो बचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इसके लिए यहां जो मेन इक्वेशन बनेगा वही बनेगा T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है सर, यही होता ना, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इससे ही हम अलग अलग चीजें ऑब्टेन करेंगे, लाइक माइनस एम जी कॉस थीटा इधर ले लिया, प्लस एम जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझो, प्रैक्टिकली लॉजिकली भी समझो कि जब आप एक ये एग्जांपल ले सकते हो ना, बहुत ऐसा तो नहीं है कि बहुत टफ चीज है, धागा ले लो, पत्थर लगा दो उसमें और फिर उसको घुमाओ, सबसे कम वेलोसिटी आपको पता है कि कहां पर होगी, ऊपर की, सबसे ज्यादा वेलोसिटी नीचे होगी, सबसे कम वेलोसिटी ऊपर होगी, ठीक है, ओके, एंड जो अगर वेलोसिटी कम है ऊपर, मतलब लाइक वेलोसिटी कम है तो धागे के ऊपर जो प्रेशर या जो जिसको हम टेंशन कहते हैं वो चीज भी क्या होगी, कम होगी, है ना, धागे के अंदर जो तनाव है वो सबसे कम कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। सो टेंशन विल बी मिनिमम ऑन दैट हाइएस्ट पोजिशन, और फिर वो बढ़ता जाएगा, हाइएस्ट कहां पर रहेगा, टेंशन हाइएस्ट होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सो हियर एट दिस पोजिशन टेंशन विल बी मिनिमम एट द हाइएस्ट पॉइंट, एंड एट द लोएस्ट पॉइंट यहां पर टेंशन होगा मैक्सिमम, यानी ये टेंशन का जो इक्वेशन है वो इधर मिनिमम होगा, इधर मैक्सिमम, धागे में जो तनाव है वो सबसे कम यहां रहेगा, सबसे ज्यादा यहां रहेगा। लॉजिकली भी थोड़ा हमको इसके बारे में सोचना चाहिए, ये तो लॉजिक हो गया, अब मैथमेटिकली देख लो क्यों कम क्यों ज्यादा। अब देखो टेंशन, बाकी सब चीजें तो ठीक है, यहां पर देखो ये कॉस थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लाइक अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहां थीटा कितना हो जाना है 180 डिग्री, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब ये बताओ कॉस ऑफ 180 मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम क्यों होगा वो देखो। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट कॉस के बारे में पता है कि नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये कॉस की लाइन, ये साइन की लाइन, कॉस यहां पर होता है प्लस वन और इस तरफ होता है माइनस वन, ठीक है, साइन यहां पर होता है प्लस वन और नीचे होता है माइनस वन, ये लाइन पे कॉस वाई लाइन पे साइन पूरा जीरो होता है, साइन वाई लाइन पे कॉस पूरा जीरो होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉस ऑफ 180 की, यानी 180 तो यहां पर हुआ, तो यहां पर कॉस की वैल्यू देखो कितनी है माइनस वन, सो यानी कि कॉस 180 विल बी माइनस वन। तो अगर ये माइनस वन हो गया इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एम जी माइनस एम जी बन जाएगा, है ना, सिंपल है। सो देयरफॉर द टेंशन विल बिकम मिनिमम, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पहले कुछ चीज ऐड हो रही थी, अब यहां पर क्या हो गया, सीधे एम जी माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि कॉस की सबसे मिनिमम वैल्यू देखो माइनस वन है, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, इसका मतलब कि टेंशन भी सबसे मिनिमम उसी पॉइंट पे होगा, यानी कि उस माइनस वन कहां पर ऑप्टर, हाइएस्ट पॉइंट पे, इसलिए यहां पर टेंशन इज मिनिमम, कहां पर, एट द हाइएस्ट पॉइंट, यहां पर टेंशन क्या है, मिनिमम है, ओके। इस लोएस्ट का भी देखेंगे हम, उसका टेंशन नहीं है, ओके। ये तो हो गया मिनिमम टेंशन का इक्वेशन। अब एक और बात समझो कि अगर ये टेंशन नहीं रहा, मतलब उतना टेंशन होना चाहिए, उतना टेंशन अगर नहीं रहा वहां पर, ठीक है, अगर मान लो कि वो नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब कि लाइक ये जो वैल्यू है ना मिनिमम टेंशन की, ये या तो जीरो से ज्यादा रहे तो ठीक है, बट अगर ये चीज माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई ना, तब दिक्कत होगी, बिकॉज तब जो है वो धागा पूरा सर्कल कर भी नहीं पाएगा, वो हम घुमाएंगे और उतना कम टेंशन अगर हुआ तो वो यहां जा भी नहीं पाएगा, यहीं से लुढ़क जाएगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं
स्लैक, तो फॉर स्ट्रिंग नॉट टू स्लैक, यानी कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे, पूरा लूप को जो है कंप्लीट करे, लुढ़क ना जाए बीच में से, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको टेंशन को एट लीस्ट जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, माइनस में नहीं लाना है. सो दैट टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट शुड नॉट बी नेगेटिव फॉर कंप्लीटिंग द होल लूप, अदरवाइज वो लुढ़क जाएगा बीच में से, पूरा ऊपर जा भी नहीं पाएगा. ठीक है, तो इसके लिए हमको यहां पर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू क्या है वो डाल दो, कि हाँ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, यानी कि वहां की वेलोसिटी अलग होगी, तो वहां का वेलोसिटी डाल दो उस वाले में. सो देयरफॉर इस इक्वेशन में एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्यों, कौन सी केस के लिए, ताकि वो पूरा लूप जो है वो कंप्लीट कर पाए, बीच में ही स्लैक ना हो. ओके, इसके बाद अगर ये ऐसा होना चाहिए तो फिर इसका मतलब है, इसको इधर ले लो, प्लस दैट इज एम वी एच स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एंड देयर फॉर एम तो हो गया कैंसल और आर को इधर ले लो, तो वी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी होना चाहिए, सॉरी आर जी होना चाहिए, देयर फॉर वी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, स्क्वायर हटा दिया तो यहां पर रूट लग जाएगा, रूट ओवर आर जी या फिर जी आर होना चाहिए. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने हाईएस्ट पॉइंट के बारे में काफी कुछ पता कर लिया, कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है वर्टिकल सर्कल के केस में इट इज मिनिमम, और वो जो टेंशन है उसका इक्वेशन ये आ गया, मिनिमम वैल्यू ऐसे ऑब्टेन हो सकती है. और एक चीज कि हम चाहते हैं कि वो जो स्टोन है वो पूरा लूप कंप्लीट करे, वो यहां जाते हुए पहुंचे ही ना, लुढ़क जाए, ऐसा ना हो. अगर हम ये चाहते हैं तो हमको यहां पर उस टेंशन को नेगेटिव होने नहीं देना है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ठीक है, कम से कम जीरो तो होना ही चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर दैट दिस टर्म, क्योंकि ये है टेन मिनिमम, ये जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड फॉर दैट हमने देखा कि वी एच, यहां की वेलोसिटी जो है या यहां की जो स्पीड है, दैट शुड बी रूट ओवर जी आर, ये वैल्यू होनी चाहिए ताकि वहां पर वो लुढ़क ना जाए. ओके, तो इससे हमने इधर तो फिलहाल ये देख लिया हाईएस्ट पॉइंट के बारे में, अब देखेंगे इसके बाद लोएस्ट और किसी मिडल वाले पॉइंट के हम देख लेंगे. तो गाइज अब देखना है हमको लोएस्ट पॉइंट के लिए, लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट का तो हमने देख लिया, यहां पर टेंशन जो है मिनिमम होता है, बिकॉज यहां पर कॉस ऑफ 180 माइनस 1 दैट इज मिनिमम वैल्यू. और हाईएस्ट कहां पर है टेंशन, टेंशन हाईएस्ट है इस लोएस्ट वाली पॉइंट पे, यानी नीचे वाली पॉइंट पे. तो ऐसे में यहां पर हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू प्लस वन होती है. तो यहां पर ये जो टेंशन का इक्वेशन है जनरल वाला, इसमें ये टेंशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये प्लस वन होगा. प्लस वन कब होता है, थीटा इक्वल टू जीरो, यानी ये जब पत्थर यहां पर होगा. ओके, सो दैट इज टेंशन विल बी मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट. ओके, सो कॉस ऑफ थीटा को जीरो को हमने, कॉस ऑफ जीरो इज प्लस वन, वो लिख दिया. तो यानी यहां पर हो गया टेंशन मैक्स का इक्वेशन हो गया फॉर दैट लोएस्ट पॉइंट, टी मैक्स का इक्वेशन हो गया, इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी. ओके, ये हमारा टेंशन का इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब हमको एक चीज और निकालनी है कि भाई जो हम लूपिंग द लूप की बात करें, कि मतलब जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट वो वाली सिचुएशन की, तो वो वाला भी देख लेते हैं हम. तो हमें यहां पर स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सी बात, सिंपल सी लॉजिक से, कि इन दो पॉइंट्स पे, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम के प्रोसेस की बात हो रही है, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह लगता है. तो लाइक टोटल एनर्जी चाहे इस पॉइंट की हो या इस पॉइंट की हो या फिर किसी भी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट होती है, है ना, टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. तो आई कैन से दैट टोटल एनर्जी एट एच शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल. अब यहां पर मान लो कि ये हमने एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर ली, तो इधर पे टोटल एनर्जी मतलब कौन सा होगा, पोटेंशियल तो होगा ही नहीं यहां पर. सो दैट विल बी सिंपली द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, वेलोसिटी यहां पर वी एल है, तो हाफ एम वी एल स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी एट एल, वो मैंने लिख दिया. सो दिस इज सिंपली द एनर्जी एट एल, क्योंकि ये अगर एकदम ग्राउंड लेवल है तो यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं कि इधर पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी एल स्क्वायर हो गया. ओके, इस पॉइंट का तो इधर पे अगर ये ग्राउंड लेवल हमने कंसिडर किया, तो ये बताओ यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा कि यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. बिल्कुल होगा पोटेंशियल. ये हाइट हो गया, कितना हाइट हो गया, अगर रेडियस आर है तो हाइट कितना हो गया, टू टाइम्स आर हो गया, तो हाफ मतलब
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल इज mgh, राइट। सो यहां पर m इंटू जी इंटू एच मतलब 2r। सो देयरफॉर हमने इधर का जो टोटल एनर्जी है वो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस mg इंटू 2r, ठीक है। सो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, इधर पे क्योंकि हमने इसको एकदम ग्राउंड लेवल ले लिया, पोटेंशियल नहीं है तो सीधे सीधे सिर्फ काइनेटिक है, और इधर पे काइनेटिक प्लस mg इंटू 2r यानी पोटेंशियल है। आप बोलोगे सर यहाँ का, यहाँ पे दोनों एनर्जीज है और इधर पे सिर्फ काइनेटिक, तो इक्वल कैसे होंगे। बात समझो आप, वेलोसिटी जो है वो यहाँ कम है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर हियर एंड हियर देयर विल बी इट विल बी लेस, ये समझो। ओके, तो ये हमने लिख दिया ऐसे। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में लूपिंग द लूप वाला, मतलब कि जो पत्थर है वो पूरी तरह से यहां पर कंप्लीट कर ले सर्कल, एटलीस्ट वो वाला सिचुएशन। तो वहां पर आई कैन डायरेक्टली पुट इस इक्वेशन में दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो सिचुएशन है वो ले आ गए हम यहां पर। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अब वैल्यूज डालते जाओ। सो देयरफॉर फॉर दैट कंडीशन की पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, एम वी एल स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर की वैल्यू। वी एच की वैल्यू देखो हमने निकाली है ऑलरेडी रूट ओवर जी आर, तो वो हम पुट कर लेते हैं जो हमने यहां पर ऑब्टेन किया था। सो दिस इज वी एच स्क्वेयर, ये वी एच की वैल्यू है, स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सो सिंपली इट इज जी आर, और ये हो गया प्लस एम जी इंटू टू आर, या फिर मैं लिख देता हूं टू एम जी आर। तो आप यहां से m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो दोनों साइड से, m कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड सो दिस विल बिकम वी एल स्क्वेयर बाय टू इज ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो जी आर बाय टू है और ये टू जी आर है, कितना हो जाएगा देखो, जी आर बाय टू प्लस टू जी आर, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू जो फोर प्लस वन फाइव जी आर हो जाएगा ना, फाइव जी आर बाय टू, सो दिस इज फाइव जी आर बाय 2 हो जाएगा। अब ये 2 को कैंसिल कर लो ऐसे, सो दिस विल बिकम वी एल स्क्वेयर इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जी आर, दैट इज वी एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 5 जी आर। यहां पर ये आपका इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये पूरा ऊपर का सर्कल सबटेंड कर ले बिना स्लैक किए, तो ये हो गया वो वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है क्यों, ताकि लूप जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ओके, अब यहां पर हम एक और बात कर लेते हैं कि मिनिमम टेंशन कितना होगा ताकि ये जो लूप है वो कंप्लीट हो जाए। मिनिमम टेंशन मतलब कहां पर, वो तो सर हमने निकाला है, अरे वो उधर का निकाला, यहां पर क्या टेंशन कम से कम इधर होना चाहिए ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, ताकि ये वेलोसिटी मिले, तो इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टेंशन निकालना है। तो वो इधर पे पुट कर लो आप, ये टेंशन वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वहां पर पुट कर दिया, यानी रूट ओवर 5 जी आर हमने यहां पर पुट कर दिया, तो दैट इज एम इंटू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली 5 जी आर अपॉन आर, ये आर आर कैंसिल हो गया, प्लस एम जी, प्लस एम जी। ओके, सो ये हटा दो यार, सो दैट विल बिकम 5 mg प्लस mg, कितना हो गया, दिस इज 6 mg। तो अब यहां पर आप समझ लो कि लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो वहां पर ऊपर का सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी रूट ओवर 5 gr, और उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन क्या होना चाहिए ताकि लूप कंप्लीट हो जाए, सो दैट इज 6 mg। तो यहां पर हमने बेसिकली लोएस्ट और जो हाईएस्ट टेंशन के करस्पॉन्डिंग चीजें देख ली, कंप्लीट लूप कैसे हो जाएगा वो हमने चीजें देख ली। अब इसके बाद हम एक मिडल वाले पॉइंट के हिसाब से भी कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस मिडल वाले एकदम बीच वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट होगी, ठीक है, एकदम जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट होगी वहां की बात करते हैं। उस पॉइंट पे जो, जैसे हमने यहां पर देखा कि इधर जो वेलोसिटी होनी चाहिए लूप कंप्लीट करने के लिए, दैट शुड बी रूट ओवर जी आर, यहां पर क्या होनी चाहिए ताकि लूप जो है पूरा हो जाए, दैट इज रूट ओवर 5 जी आर। वैसे इधर पे भी देख लेते हैं वो मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए।
ओके सो सिंपली आप वही लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी एट m इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट l. इधर का या कहीं का भी टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगा. सो l पे टोटल एनर्जी क्या है वो तो हमको पता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. सो दैट इज हाफ एम वी एल स्क्वायर. एम पे कितना होगा, इससे कितना ज्यादा रहेगा, बस वो पोटेंशियल फैक्टर ऐड कर दो, कितना हाइट हो गया ये r. सो एम जी आर उतना ज्यादा रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही वहां पर, हाफ एम वी एम स्क्वायर. वी एम वहां की वेलोसिटी मान लो, प्लस एम जी इंटू एच, इन दोनों के बीच में गैप कितना है रेडियस का, तो ये दैट इज आर हो जाएगा. ओके अब आप क्या करो, जो लोएस्ट वाला जो वैल्यू है उसका यहां पर आप पुट कर लो, ये वाला वैल्यू यानी वी एल की वैल्यू डाल दो. सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा इक्वल, एंड दिस इज एम और ये अपना रूट ओवर 5gr का स्क्वायर बराबर है हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर. मैं इसको इधर ले लेता हूं, माइनस एम जी आर हो जाएगा. ओके सो दैट इज दिस वी एम स्क्वायर और ये हाफ एम भी लिख ही देते हैं और ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया और उसके बाद सो दिस विल बी एम 5 एम जी आर बाई 2 माइनस एम जी आर. कितना हो जाएगा, 2 वन जर 2 एम जी आर हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज 3 एम जी आर बाई 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम जी आर अपॉन 2. ये कैंसिल हो गया, m भी कैंसिल कर लो और देयरफॉर ये हो जाएगा v नॉट इक्वल यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू. सो दिस वी एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर 3 जी आर रूट ओवर 3 जी आर. ये हो गया वो मिनिमम वेलोसिटी जो यहां होनी चाहिए ताकि वो इधर पूरा सर्कल कंप्लीट करे बिना धागे को बेंड किए. ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले. सो दिस इज दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हियर, यानी इधर कितना रिक्वायर्ड है रूट ओवर जी आर, उसके करस्पॉन्डिंग यहां का वेलोसिटी कितना है रूट ओवर 5 जी आर, इधर पे कितना हो गया 3 रूट ओवर 3 जी आर. सो जी आर 3 जी आर 5 जी आर है ना, रूट में लगा दो. ओके इसके करस्पॉन्डिंग टेंशन क्या होगा, सो टेंशन रिक्वायर्ड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो उधर भी, सो दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय, अब वी की वैल्यू डाल दी हमने ये वाली, सो एम रूट और स्क्वायर हटा दो सीधे, सो 3 जी आर हो गया बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा. यहां पर थीटा कितना होगा सर, ये वाला जो एंगल है कितना हो गया देख लो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहां पर थीटा 90 हो गया. सो देयरफॉर कॉस ऑफ 90 क्या हो जाता है, कॉस ऑफ 90 हो जाता है 0. सो दैट इज यहां पर डायरेक्टली टेंशन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर कैंसिल हो गया, सो 3 एम जी दिस इज द टेंशन करस्पॉन्डिंग टू दैट लूपिंग. तो इधर का भी हमने लूप करने के लिए, लूप कंप्लीट होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी है वो ऑब्टेन कर ली रूट ओवर 3 जी आर और टेंशन भी हमने ऑब्टेन कर लिया, इट इज 3 एम जी. ओके इसके बाद थोड़े एप्लीकेशंस का देख लेते हैं. सो गाइज इस वाले केस में हमने देख लिया कि क्या होता है एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कल में, वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रहा है इनफैक्ट, और जो टेंशन है धागे में सबसे ज्यादा कब रहेगा नीचे की तरफ, सबसे कम कब रहेगा ऊपर की तरफ, हमने इक्वेशंस भी देख लिए. और अगर चाहते हो कि ये जो पत्थर है वो पूरा लूप कंप्लीट कर ले, ऐसा नहीं कि यहां पर आके फिर नीचे गिर जाए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी नहीं चाहिए. क्या होना चाहिए वो वेलोसिटी, तो यहां पर वो लिमिट है ये इधर पे है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है फॉर दैट लूपिंग इज रूट ओवर जी आर, उसके करस्पॉन्डिंग लोएस्ट पे है रूट ओवर 5 जी आर और उसके करस्पॉन्डिंग मिडिल पे क्या है रूट ओवर 3 जी आर. ठीक है, तो अगर ऐसे बोला हो कि हाँ लोएस्ट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो वो ये है. हाईएस्ट पे क्या होनी चाहिए वो ये है, उसके करस्पॉन्डिंग मिडिल पे क्या होनी चाहिए वो ये है, मिडिल यानी कि एकदम बीच वाली पॉइंट पे, और उसी के करस्पॉन्डिंग टेंशन भी हमने देख लिए. इधर पे टेंशन क्या रहेगा लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम के, दैट इज जीरो. इधर पे क्या हो जाएगा है ना, हमको एटलीस्ट सर्कल कंप्लीट करना, तो जीरो हो जाएगा.
उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, उससे कम यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्या होगा कि इससे पता होगा कि हाँ एग्जैक्टली लूपिंग करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है। तो आप यहाँ पर सब में ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन लगा दो ताकि वो कंडीशन आपको याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ मोशन। अब बात यह है कि इसके एप्लीकेशंस, जैसे कि एक बकेट में पानी भरा है और उसको रस्सी से बांधा है, उसको घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा, क्या होना चाहिए, तो वो सब इसी से बन जाएगा। आप जो भी टर्म्स है न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करिए और हम जो है उसके ऊपर आएंगे। पहले हम ये कंसेप्ट वाइज जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।